Hello everyone, this is the 8th part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the bitwise operators. Bitwise ones complement, shift left and shift right. So let's start. So सबसे पहले हम देखेंगे bitwise ones complement क्या होता है, इस operator का working क्या होता है. So इसको देखने के लिए हम इसकी definition देख लेते हैं. सबसे पहले it is a unary operator which causes the bits of its operand to be reversed. That means one becomes zero and zero becomes ones. इसका मतलब ये है कि bitwise ones complement एक unary operator है. unary operator का मतलब ऐसा operator जो सिर्फ एक ही operand के साथ काम करता है, उसे unary operator कहा जाता है. ones complement क्या करेगा, ये वन को जीरो में कन्वर्ट करेगा और जीरो को वन में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज दिस ऑपरेटर कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ अ फाइल विच कैन लेटर बी डिक्रिप्टेड. इसका मतलब ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको अपना डेटा सिक्योर रखना है या आप उसको किसी कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं और जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, मतलब इनकोड भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऑपरेंड है और उस ऑपरेंड का नाम हमने रखा है ए. ए का बाइनरी इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है. अगर हम ए का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करवाएंगे, हम राइट साइड से देखेंगे और राइट साइड से हम देखना शुरू करेंगे. जीरो को हम कन्वर्ट करेंगे वन में, देन वन विल बी कन्वर्टेड टू जीरो, जीरो विल बी कन्वर्टेड टू वन, जीरो अगेन कन्वर्टेड टू वन, वन विल बी कन्वर्टेड टू जीरो एंड द रेस्ट ऑफ द जीरोज विल बी कन्वर्टेड टू वन. सो इस तरह से अगर हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं बिट बाय बिट तब हम उसको कहेंगे कि हमने एक ऑपरेंड का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे. नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर. सो बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर क्या करता है, इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ ऑपरेंड ऑन राइट बाय अ गिवन वैल्यू. इसका मतलब जो भी आप ऑपरेंड की वैल्यू लेंगे उसको वो राइट साइड से उसकी बिट्स को शिफ्ट करना शुरू कर देगा. सिंटेक्स क्या है इसका, आपको इसके लिए फिर से एक ही ऑपरेंड चाहिए, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर. उसके बाद आप राइट ऑपरेटर को लिखेंगे, उसके बाद आप काउंट बताएंगे कि कितनी बिट्स आप राइट साइड से शिफ्ट करना चाहते हैं, उसे रिमूव करना चाहते हैं. सो एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमने फिर से एक ऑपरेंड लिया है ए और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ए ऑपरेंड के राइट साइड से थ्री बिट्स शिफ्ट हो जाए. तो उसको पहले एक प्रॉपर मैनर में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. मैंने इस बाइनरी इक्विवेलेंट को 4-4 के सेट में लिख के यहाँ पे रख दिया. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, हमने राइट साइड से थ्री बिट्स को रिमूव करना है. हमारे पास क्वांटिटी हमने लिख रखी है तो हम राइट साइड पे जाएंगे और थ्री बिट्स को यहाँ से रिमूव करेंगे. ये अपने आप रिमूव होंगी, मतलब ये इंटरनल वर्क में आपको बता रही हूँ. राइट साइड से थ्री बिट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगी. जब ये थ्री बिट्स रिमूव होंगी तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या आएगा, हमारे पास राइट साइड से तीन बिट्स जो है वो लॉस्ट हो चुकी है. अब हम इन थ्री बिट्स को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, इन थ्री बिट्स को रिकवर करने के लिए हम लेफ्ट साइड से थ्री बिट्स को ऐड करेंगे. और वो बिट्स कौन सी होंगी, जीरो. हम थ्री जीरोस लेफ्ट साइड पे ऐड करके इस बाइनरी नंबर को प्रॉपर सेट की फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि 4-4 बिट्स के सेट हमारे पास पहले ही बने हुए थे. बाइनरी नंबर में अगर एक सेट के पास सिर्फ एक ही डिजिट होगा दैट विल बी रॉन्ग. तो हम इस नंबर को प्रॉपर बनाने के लिए लेफ्ट साइड से थ्री जीरोस जो है वो ऐड करेंगे. राइट साइड से तो हमने अभी ट्रंकेट किए वैल्यू तो वहां तो नहीं हम ऐड कर सकते, इसीलिए हम लेफ्ट साइड से उतने ही बिट्स को ऐड कर देंगे जितने हमने रिमूव किए थे. सो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं. सो अब देखते हैं कि बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर को, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय अ गिवन वैल्यू. सो आप जो भी वैल्यू देंगे उतने ही बिट्स लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएंगे. सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स वही सेम है आपका. ऑपरेंड को आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्वायर्ड ऑपरेटर को लगाएंगे एंड देन काउंट बताएंगे कितनी बिट्स आपको शिफ्ट करनी है. अगेन इन द एग्जांपल वी आर टेकिंग ए ऑपरेंड और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने इस यहाँ पे लिख रखा है. हम कितने बिट शिफ्ट कराना चाहते हैं, अगेन वी वॉन्ट टू शिफ्ट थ्री बिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड.
सो हमने इसको क्या करा, इसको प्रॉपर मैनर में लिखकर आपको दिखाया, फोर फोर के मैंने सेट्स बना के आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया है। तो क्या होगा, आप थ्री बिट्स लेफ्ट साइड से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। जब ये रिमूव होंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा, हमारे पास ये नंबर बचेगा जहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड से जो पेयर बन रहा था उसमें से तीन बिट्स लॉस्ट हो चुके हैं, जो हमने लॉस्ट खुद ही करवाए हैं। ठीक है, अब इसकी रिकवरी करने के लिए क्या किया जाएगा, राइट साइड से थ्री बिट्स को ऐड किया जाएगा और वो बिट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एवरी टाइम हमें जीरो की हेल्प से ही बिट्स को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिल करके एक पूरा सेट कंप्लीट करना पड़ेगा। सो हम फिर से थ्री बिट्स को लेफ्ट साइड से रिमूव किया और राइट साइड से फिल किया। सो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो वर्क करते हैं। मैंने अभी बिटवाइज ऑपरेटर पूरे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको बिटवाइज की जो प्रीवियस ऑपरेटर देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज के लिए बिटवाइज ऑपरेटर में इतना ही था। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। अगर आप वो ऑपरेटर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस का जरूर वेट कीजिएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।